हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सेफ डिंपल गणात्रा, बड़ौदा गुजरात से। अमूल सिंपल होममेड रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज बनाने वाली हूँ मैं चीज सैंडविच। कोल्ड चीज सैंडविच, तो उसे उसकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम लोग। येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, प्याज कटा हुआ, टमेटो सॉस, मेयोनीज, धनिया, तुलसी के पत्ते, लहसुन, ये ओरिगेनो, ये ब्लैक पेपर पाउडर, ये पिज्जा सीजनिंग, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, अमूल का बटर, अमूल का चीज स्प्रेड और अमूल की चीज, और ये अमूल का दही। सबसे पहले तो मैं अमूल की पूरी टीम और दीपा मैम का शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे को मौका दिया। ये सैंडविच घर के इंग्रेडिएंट से ही बन जाती है और बहुत इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। उसके लिए मैंने ये अमूल का 3 टेबलस्पून दही लिया है। ये 1 टेबलस्पून मेयो लिया है। और 1 टेबलस्पून अमूल का चीज लिया है, चीज स्प्रेड लिया है। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अभी दिवाली गई है तो अचानक से कोई मेहमान आएंगे तो आपको कुछ अच्छा सा उनको सर्व करना हो तो आप ये सैंडविच जरूर से सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं हो गया हमारा ऐसा। अब उसमें हम लोग आधा टेबल स्पून, आधा कप येलो कैप्सिकम, आधा कप रेड कैप्सिकम और आधा कप ग्रीन कैप्सिकम। ये मैंने आधा कप येलो, आधा कप रेड और आधा कप ग्रीन कैप्सिकम, एक छोटी सी प्याज जो कटी हुई थी, स्वाद अनुसार नमक, तो मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है वो ले लेंगे, आधा टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। एक टेबल स्पून ओरिगेनो और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप तीखा खाते हो तो उसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, सारी इंग्रेडिएंट्स हमको ठंडी लेनी है। हमारा ये
रेडी है, देख सकते हैं। जब हमारा ये रेडी है तो हम लोग ये लेटस को, उसको मैंने ठंडे पानी में 10 से 12 मिनट रख लिया था। लेटस को एकदम बारीक कट करके इसमें डाल देंगे हम। सब इंग्रेडिएंट्स ठंडे ही लेने हैं हमको। उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब अपने हम ब्रेड ले लेंगे, उस पे बटर लगा देंगे अच्छे से। बटर हमको रूम टेम्परेचर वाला ही चाहिए जिससे अच्छे से वो ब्रेड पे लग जाए। बटर लगा लिया है ब्रेड पे। अब ये हमारे जो फिलिंग तैयार किया है वो अच्छे से लगा देंगे उस पे। हम अपना दूसरा ब्रेड लगा देंगे और थोड़ा प्रेस करके दबा देंगे। अब एक ट्रे में मैं प्लास्टिक रैप लगा दूंगी। एक सैंडविच रख देंगे, ऐसे ही दूसरी सैंडविच तैयार कर लेंगे हम। ये आप टिफिन में भी डाल सकते हैं, कहीं पिकनिक पे जाए तो भी ये बना के लेके जा सकते हैं साथ में।
से अभी दूसरी सैंडविच तैयार कर देंगे हम अपनी। थोड़ा सा प्रेस करके दबा देंगे। अब उसको हम ऐसे प्लास्टिक रैप करके फ्रीज में रख ठंडा करने के लिए रख देंगे अभी उसको। ऐसे देख सकते हैं आप, अब पहले से भी उसको प्रिपरेशन करके रख सकते हैं ऐसे। अभी हम लोग इसको फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और हमारा अभी ये सैंडविच ठंडा हो रहा है, तब तक अपू उसके लिए मेयो डिप बना लेंगे। तो मेयो डिप बनाने के लिए तीन टेबल स्पून में टोमेटो केचप ले रही हूँ, उसके साथ तीन टेबल स्पून मेयो, ये मैंने लहसुन चार से पांच लहसुन की कलियां काट के रखी थी, वो कट पीस के रखा था। स्वाद अनुसार नमक, एक बड़ा टेबलस्पून लाल मिर्च, ये पिज्जा सीजनिंग है वो एक टेबलस्पून, एक टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, और ये मैंने तुलसी के पत्ते लिए थे चार से पांच, तुलसी के पत्ते लिए थे वो डाल दूंगी। उसमें दो टेबल स्पून जितना पानी डाल के और थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर मरी पाउडर आधा टीस्पून, इसमें हम लोग थोड़ा क्रीमी टेक्सचर के लिए एक टेबलस्पून में ये चीजी डिप डाल रही हूँ और थोड़े से धनिया के पत्ते। थोड़ा नेटवर्क चला गया था, सॉरी। ये हमारा जो सब हमने रेडी किया है उसको मिक्स कर, देख सकते हैं हमारा ये चीजी डिप रेडी है। ये हमारी सैंडविच ठंडी हो चुकी थी फ्रिज में, अभी हम इसको निकाल लेंगे।
उसमें हम लोग ये अपना जो ये मेव है वो लगाएंगे, थोड़ा सा ही लगाना है उसको। अब अपना ये अमूल का चीज है, हम अपना ये चीज डाल देंगे इसे। आप चाहे तो अंदर भी डाल सकते हैं चीज, मगर हमने अंदर चीज ही डीप डाला है इसलिए मैंने ये चीज नहीं डाला उस पे, अंदर नहीं डाला है। अब ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया। अब अपनी सैंडविच कट कर लेंगे। देख सकते हैं हम अपने सैंडविच, चिली चीज सैंडविच रेडी है। अब हम उसको सर्व कर लेंगे। मिला जी, थैंक यू नालिनी जी, थैंक यू।
रेडी है हमारा चिली चीज सैंडविच। ये मैंने ग्रीन चटनी और हमने जो ये मेयो डिप बनाया उसके साथ चटनी सर्व की है अभी। तो जल्दी से बनाने वाली हमारी ये सैंडविच रेडी है अभी, आप जरूर से ट्राई करिएगा। और थैंक यू अमूल की पूरी टीम और दीपा मैम और आपको सबका थैंक यू।